सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बचाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाए। दो चार साल और किराया पट गए 1 लाख रुपए भाई। बंदे मातरम भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष और हम सब इस देश की जहाँ नरेंद्र मोदी जी जब गए तब जय जयकार हुई है। कई बार ऐसा लगता है कि सरकार हमने वोट भी दिए, ये हुआ वो हुआ, मेरे को क्या मिला। इस देश में पहला प्रधानमंत्री जिसने इस देश के प्रत्येक नागरिक को गेजेटेड ऑफिसर का राइट दिया। अब से 10 साल पहले 5 साल पहले गेजेटेड ऑफिसर के आगे हाथ जोड़ते थे राशन कार्ड की। सबको प्रणाम, आप सबका अभिनंदन, बुजुर्गों का भी, जवानों का भी, भाइयों का भी, बहनों माताओं का भी। इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ कि आपका मेरे ऊपर कर्जा है। और कर्जा कहोगे कौन सा कर्जा, मैंने आपसे पैसा लिया है, बहन जी से लिया है या पंडित जी से लिया है कैसे? वो कर्जा ये है कि आप लोगों ने मेरे को तीन तीन बहुत जरूरी इसलिए है कि अगर किसी का एक पैसे का भी एहसान हो, 1 रुपए का भी कर्जा हो, तो हमको वो चुकाना चाहिए और उस पर ऋण को अपने मन। माँ का कर्जा है, पिता का कर्जा है, तो माँ बाप को, गुरु का तो गुरु को भी प्रणाम करना चाहिए। इसलिए आप सबको मैंने प्रणाम किया, अभिनंदन किया आपकी संपूर्ण जनता, अगले गली में का बहनों और भाइयों को, माताओं बहनों को, बच्चों को, जवानों को, सबको। मेरा ये कहना है कि चुनाव आते हैं और चुनाव जाते हैं। ये राजस्थान विधानसभा का चुनाव 7 दिसंबर को हुआ और 11 को उसका रिजल्ट आ गया पूरे राजस्थान का, परंतु रामगढ़ का रुक गया क्योंकि रामगढ़ का एक कैंडिडेट, एक उम्मीदवार मर गया। उस कैंडिडेट को, चौधरी लक्ष्मण सिंह को, मैं श्रद्धांजलि देता हूं। वो बसपा का उम्मीदवार था, चाहे किसी पार्टी का हो, लेकिन हमारा साथी नेता था, कार्यकर्ता था। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो चुनाव है, अब जो 28 जनवरी को चुनाव है, इस चुनाव का बहुत महत्व है। महत्व इसलिए नहीं है, ये MLA बन जाएगा सुखन सिंह तो कोई कांग्रेस की सरकार का तख्ता पलट जाएगा, ऐसा नहीं है। या बीजेपी का राज आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। न बीजेपी का राज आने वाला, न कांग्रेस की सरकार हटने वाली है। पर इस चुनाव का जो असर है वो है आगे वाले 2019 का जो लोकसभा का चुनाव है, माननीय मोदी जी का चुनाव है, श्रद्धेय मोदी जी का चुनाव है, आदरणीय मोदी जी का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। उनको हमने प्रधानमंत्री बनाना, क्यों बनाना है? क्योंकि वो गौ भक्तों के साथ है, क्योंकि वो राम भक्तों के साथ है, क्योंकि वो कृष्ण भक्तों के साथ है, क्योंकि इस भारत को, इस भारत माता को अखंड करते हैं, अखंड करने के लिए संकल्प लिए हुए हैं, इस भारत माता को विश्वगुरु बनाने के लिए संकल्प लिए हुए हैं। उस संकल्प को दोहराना है। मैं आपके बीच में एक बात और कहता हूँ, कई बार जनता कहती है आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, मैं उसके सबूत दे रहा हूँ। जग में सुंदर बस दो नाम, जग में सुंदर बस दो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, उन्होंने माता सीता पत्नी थी उसके लिए भी वो रोए, वो पिता के कहने पर, सौतेली माँ के कहने पर वनवास गए, सब तरह से संपूर्ण मर्यादा निभाई। लेकिन कृष्ण सर्वकला समर्थ, सोला कला समर्थ, योगेश्वर कृष्ण, भगवान कृष्ण ने मर्यादा तोड़ करके भी धर्म की स्थापना की। उस धर्म की स्थापना के लिए उनको याद किया जाता है। दुर्योधन कैसे मरेगा और दुशासन कैसे मरेगा, भीष्म पिता मैं कैसे मरेंगे, द्रोणाचार्य कृपाचार्य कैसे मरेंगे, ये उन्होंने कैसे तो भी योजना बना के छल छदम से उनको कैसे मरेंगे, युद्ध में कैसे हारेंगे, इसके लिए अर्जुन को विराट दर्शन दिया। ऐसे भगवान कृष्ण का स्वरूप है माननीय मोदी जी। मर्यादा तोड़ करके भी भारत में धर्म की स्थापना कर रहे हैं, मर्यादा तोड़ करके भी भारत में अखंडता के लिए काम कर रहे हैं, मर्यादा तोड़ करके भी वो माता की रक्षा का काम कर रहे हैं। ऐसे माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, फिर ऐसे माननीय मोदी जी को लोकसभा में फिर प्रधानमंत्री बनाना है। उसके लिए 2019 का चुनाव प्रभाव डालेगा। इस एक सीट से कांग्रेस के, झूठी कांग्रेस के, बेईमान कांग्रेस के, भ्रष्ट कांग्रेस के, दुराचारी कांग्रेस के, दुष्कर्मी कांग्रेस के, इन कांग्रेसियों का जो है ना वो अरमान ढीले होंगे। मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूँ, पूरी कांग्रेस के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि 60 साल में जो उन्होंने भ्रष्टाचार मटाया, हमारी माँ और बहन, हमारी बहू,
और हम लोग बैठ करके एक साथ टीवी देखते हैं और टीवी में कई बार ऐसे गंदे सीन आते हैं कि माताएं बहनों को अलग शर्म आती है और हमारे भाई और बेटे और बाप को अलग शर्म आती है। नंगे सीन और नंगी तस्वीरें, नंगे विज्ञापन, यह सब कांग्रेस के राज में हुआ और धीरे धीरे उसको कम करने का प्रयास मोदी जी कर रहे हैं। और आपको एक बात मैं बताता हूं कि देश में मर्यादा को रखना, उस मर्यादा को जिसको माननीय मोदी जी निभा रहे हैं, आज अमेरिका झुका, जिस अमेरिका ने उनको वीजा नहीं दिया, आज इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान झुका, कहीं भी गए मोदी मोदी मोदी, यह जो भावना पैदा हुई है इस देश के लिए और विकास भी हुआ। आपके बीच में खड़े हैं ये कार्यकर्ता तो बाहर के हैं, दो कार्यकर्ता तीन हमारे साथ घूम रहे हैं, फूलचंद जी कहां के विस्तारक हमारे, फूलचंद जी उधर बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कमाल है, गांव गांव तक सड़क, इंटीरियर में गए, दूर दूर तक गए, पहाड़ों में गए सड़कें, और अपने गौरव पत्र का देखिए भैया जी देखिए, और अपना ये गांव अंदर का पक्का, और इसके लिए जितना संभव हुआ विकास भी हुआ, मेरे द्वारा हुआ, राजस्थान सरकार के द्वारा हुआ, दिल्ली सरकार के द्वारा हुआ, विकास भी हुआ। फिर विकास, सड़क, बिजली, पानी, ये भौतिक सुख है, ये रोटी कपड़ा मकान का सुख है, सबसे बड़ी बात है कि मन और आत्मा का, मंदिर और गुरुद्वारे का, और हमारी गौ माता का, गौशालाओं का जो सुख है, ये सुख हमारे जज्बात को, हमारी भावनाओं को, हमारे भाव को, हमारी भावनाओं को आगे बढ़ाता है, हमारे मन में श्रद्धा बढ़ाता है। इसलिए मकर संक्रांति गई है कल, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। कुंभ का मेला लग रहा है, उसका नाम था इलाहाबाद, इलाहाबाद जहाँ तीन नदियां मिलती है, जहाँ संगम होता है, उसका नाम था इलाहाबाद। लेकिन योगी जी, माननीय आदित्यनाथ योगी वहां मुख्यमंत्री बने, उन्होंने इलाहाबाद का नाम प्रयाग कर दिया, पहले प्रयाग था फिर प्रयाग कर दिया। ऐसे नाम परिवर्तन होंगे और हमारे देश की संस्कृति को, सभ्यता को हम आगे बढ़ाएंगे। माताओं बहनों का, इन बेटियों, माताओं बहनों, बहुओं का सम्मान हो, इनका सम्मान हो, इसके लिए मैंने संघर्ष किया यहाँ, और इसके लिए आपके बीच में 50 साल से लगातार मैं हूँ। आप कहोगे 50 साल कैसे, पहले मैं भारतीय मजदूर संघ मजदूर नेता था, मजदूर किसानों के लिए संघर्ष था, और अब मैं राजनीति में हूँ 25 साल से, लगातार आपकी सेवा कर रहा हूँ। 22 सुखवंत सिंह को टिकट मिला है, अभी मेरे को नहीं मिला, मेरे को टिकट नहीं मिला कोई बात नहीं, पर मैं तो उनमें हूं ना, कि सानू होनी चाहिए कुछ साड़ी खड़ी रहने दो, हमारे को प्रांत उपाध्यक्ष बना दिया, पहले मैं टिकट लेने जाता था और अब वो टिकट देने का काम मैं करूँ, अब बताओ दर्जा बढ़ गया ना बहनों, भाइयों दर्जा बढ़ गया ना, इसलिए उस सम्मान के साथ देने के लिए मैंने, माताओं बहनों को तो मूछ नहीं आती, पर जिनके मूछ आती है, अरे वो मूछ मुंडे गुंडे वो तो मूछ रखे, मेरा ये कहना है, मैं बहुत खुली बात करता हूँ और बहुत खुला में खुला, इसलिए लोग हमारे साथ मस्त बोला होकर बात भी करते हैं, कार्यकर्ता खुल के बात करते हैं। मेरा एक कहना है कि भाई सुखवंत सिंह मेरा छोटा भाई है, वो एमएलए बनेगा, हम कमल को वोट देंगे, कमल का बटन दबाएंगे, बाद दिन वोट, वो एमएलए बनेगा, पर आपके बीच में वो एमएलए ना होकर के मैं एमएलए हूँ, मैं एमएलए हूँ, और आगे आने वाले, अभी तो मैं 70 साल का बच्चा हूँ, कई लोग हंसेंगे, लेकिन 10 साल और सेवा करने के लिए मैं आपको गारंटी देता हूँ, सुखवंत जी काम करवा पाए ना करवा पाए, नए एमएलए बनेंगे, बाद में सीख जाएंगे, वैसे ही सीख जाएंगे जैसे गुजर गांव में जा रही थी एक बस, गुजर गांव में जा रही थी बस, एक गुजर ने दूसरी गुजर से कहा, जैसे तुम बहने बैठी हो ना, देख देख बाण या जा रही मोटर बस जा रही थी, बस के पीछे भी जा रही थी जीप या कार, बोले या जा रही मोटर, और मोटर के पीछे जा रहा मोटर को बच्चों, जो भी दौड़ तो मोटर हो ही जाएगा। सुखवंत सिंह भी एमएलए बनने के बाद धीरे धीरे सब सीख ही जाएंगे, पर फिर भी मेरी गारंटी है, बहुत मस्ती के साथ, बहुत हस्ती के साथ, आपकी बस्ती के साथ, आपको काम के लिए मेरी गारंटी है, बिजली का, पानी का, सड़क का, और बाकी भी काम पुलिस प्रशासन का, प्रताप का फोन लगातार मैं उठाता हूँ, किसी छोटे कार्यकर्ता भी आता है, अब यहाँ मीटिंग में है तो जरूर नहीं उठा पाएंगे, मोबाइल दूसरे के पास है, बाकी आप लोगों के बीच में मैं था, हूँ और रहूंगा, आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया और करेंगे, कोई भी काम आपका पड़े आप मेरे को बताना, सुखवंत सिंह जी मेरे प्लस होंगे और वो काम करेंगे, विधानसभा में वो बैठेंगे भले ही, लेकिन बाकी प्रांतों में पार्टी के नाते से मैं आपका काम करूंगा, और ये हो सकता है कि लोकसभा का टिकट मेरे को मिल जाए और मैं सांसद बन जाऊं दिल्ली के, लोकसभा राज्यसभा का, तो एमएलए को तो मिलते हैं 5 करोड़ बेटा, और एमपी को मिलेंगे, सांसद को मिलेंगे 5 करोड़, अब 5 करोड़ के मिलेंगे, अपने यहाँ इसको बुज्जा कहते हैं, और राजपूत पंजाबी और हम लोग बुरा मानते हैं, ये गिन बुज्जा, ये बुज्जा नहीं दे रहा हूं मैं, 5 करोड़ बता रहा हूं, तो 5 करोड़ में से भी विकास अपने एरिया का ही होगा, इसलिए आप लोगों को मैं बीच में अपील करने आया हूँ, प्रार्थना करने आया हूँ,
कमल का फूल, सुकून से भारतीय जनता पार्टी बटन दबा करके